जिन लोगों के दिमाग में ही गोबर भरा है वो आपको रोजगार नहीं दे सकते, वो हमारे आपके दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ गोबर डाल सकते हैं। अब कौन सी योजना आ गई? अग्निपथ योजना। एक बड़ा भड़काऊ सा एक बेहतरीन सा नाम दिया गया, अग्निवीर। अग्निवीर बनो। कैसे अग्निवीर बनो? 4 साल सेना में जाके नौकरी करो। ये योजना दो कारण आपकी जिंदगी में पैदा करेगी। या तो आप बेरोजगारी के कारण हताश होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे, या कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खोज रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राइवेट कंपनियों को ट्रेंड सैनिक खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 साल की ट्रेनिंग मोदी जी दे रहे हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, भारत के नौजवान, भारत के करोड़ों नौजवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विश्वासघात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। जय हिंद साथियों। नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे जुमले आपने सुने होंगे, कभी 2 करोड़ रोजगार देने का जुमला, कभी पकौड़ा बेच के रोजगार पाने का जुमला, कभी गोबर बेच के रोजगार पाने का जुमला। जी हां, गोबर बेच के रोजगार। और उस वक्त ही मैंने कहा था कि जिन लोगों के दिमाग में ही गोबर भरा है वो आपको रोजगार नहीं दे सकते, वो हमारे आपके दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ गोबर डाल सकते हैं। पहले मोदी जी का ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया गया आपके साथ वादा सुनिए और फिर आगे की बातें करते हैं। ये सुनिए। भाई बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाई। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। सुन लिया आपने? ऐसे तमाम जुमले जब मोदी जी आपके सामने बोलते हैं तो आप अपने दिमाग पर जोर नहीं देते, आप चिल्ला चिल्ला के नारे लगा रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, जिंदाबाद कर रहे होते हैं कि चलो अब पकौड़े से रोजगार मिल गया, चलो अब गोबर बेच के हम रोजगार कमाएंगे, चलो अब 2 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलेंगी। ऐसे तमाम जुमलों के वक्त या जुमले सुनते वक्त आप अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचते, बल्कि नारे लगाने लगते हैं, जिंदाबाद करने लगते हैं, लाइनों में लग के वोट देने लगते हैं, और कई नौजवान तो यहां तक कहते हैं भीख मांग लेंगे लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। लेकिन मोदी जी ने आपके साथ क्या किया? एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया। हिंदुस्तान के 20 करोड़ नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया, हमारे देश के सेना के गौरव को घटाने का काम किया। पिछले कई वर्षों से हमारे नौजवान प्रतीक्षा में थे, कोरोना के कारण सेना की भर्ती नहीं हो रही थी, ये सरकार की दलील थी, बार बार आपसे झूठ बोला जा रहा था सेना भर्ती नहीं की जा सकती। आप उसके कई वर्षों पहले से तैयारी कर रहे थे सेना में जाने के लिए, सेना की जो कुछ भर्तियां हुई भी थी उसमें आज के नियमों के हिसाब से भारी संख्या में नौजवान ओवर एज हो चुके हैं, यानी कि उनकी आयु सीमा खत्म हो चुकी है। अब कौन सी योजना आ गई? अग्निपथ योजना। एक बड़ा भड़काऊ सा एक बेहतरीन सा नाम दिया गया, अग्निवीर। अग्निवीर बनो। कैसे अग्निवीर बनो? 4 साल सेना में जाके नौकरी करो। 4 साल, यानी सेना में भर्ती होने के लिए पहले तो आप 4 साल तैयारी कीजिए, अपने आप को सेना में भर्ती होने लायक बनाइए, फिर 4 साल वहां पर नौकरी कीजिए और उसके बाद आपको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा, फिर बेरोजगारी का कटोरा लेके आप दर दर घूमते रहिए। यह योजना लाई किसके लिए गई है? यह योजना दो कारण आपकी जिंदगी में पैदा करेगी। या तो आप बेरोजगारी के कारण हताश होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे, या कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खोज रहे होंगे। ये प्राइवेट कंपनियों के लिए योजना लाई गई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक सौगात दिया है प्राइवेट कंपनियों को कि चिंता मत करो, अब तुमको ट्रेंड सैनिक मिलेंगे
और सिक्योरिटी गार्ड के लिए मिलेंगे, तुम्हारे घर तुम्हारे दफ्तर के सामने वो तुम्हारी नौकरी बजाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, उनके ट्रेनिंग का प्रबंध हम कर रहे हैं, सेना में भर्ती लेंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राइवेट कंपनियों को ट्रेंड सैनिक खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 साल की ट्रेनिंग मोदी जी दे रहे हैं उनके लिए। और आज पूरे देश के अंदर नौजवानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, जगह जगह नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है, वो कह रहा है अर्थी दे दो या भर्ती दे दो, यानी कि चाहे हमारी जिंदगी ले लो या फिर नौकरी दे दो, 17 साल की सेना की भर्ती, 17 साल वाली नौकरी, जिसके लिए पिछले दिनों कई नौजवानों ने अपने बूढ़े मां बाप को चिट्ठी लिख के पेड़ पर फंदा डाल के फांसी लगा ली और ये दुनिया छोड़ के चले गए और कहा कि बापू अगले जन्म में आएंगे तो हम सेना की नौकरी करेंगे। ये हरियाणा का किस्सा है, ऐसे बहुत सारे किस्से, सहारनपुर, हरियाणा, बुलंदशहर। मैं आप नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूं, अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। ये गोबर योजना लाने वाले लोग, ये पकौड़ा योजना लाने वाले लोग, ये 2 करोड़ नौकरियां देने का जुमला बोलने वाले लोग, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये आपको नौकरियां नहीं दे सकते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो नियम लागू किया है, ये देश के सेना के गौरव को भी घटाएगा, क्योंकि 4 साल की नौकरी के लिए अगर कोई आदमी वहां पर सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए जाएगा, उसके अंदर ना वो भाव रहेगा ना निष्ठा रहेगी, और 25% की जो आपने लोगों को कंटिन्यू करने की जो लिमिट रखी है, उसके कारण से पूरी ऊर्जा नौजवानों की इस बात में लग जाएगी कि वो अपने सुपीरियर अधिकारी को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश कैसे रखें, जिसके कारण उनको 25% की श्रेणी में रखा जा सके। वो देश के लिए सेवा देने का, जान देने का, देश के लिए सीमा की सुरक्षा करने का जो जज्बा है, उसको मोदी सरकार ने इस फैसले से खत्म करने का काम किया है। ये देश के नौजवानों के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये एक ऐसा फैसला है जो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, भारत के नौजवान, भारत के करोड़ों नौजवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विश्वासघात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने नरेंद्र मोदी जी को अपने कंधे पर उठाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया 2014 में, सत्ता के शिखर पर पहुंचाया 2019 में, और बार बार उनको नौकरियां देने का वादा करके विश्वासघात और धोखा किया गया। इसलिए नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, जागो, आप जागिए और अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र के अंदर हमारे पास लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को कहने का अधिकार है, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज को बुलंद करने, अपनी आवाज को उठाने का अधिकार है। उन अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, आपको आपका हक मिलेगा, क्योंकि किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा। मजदूर जब अपने आंदोलन के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए घर से निकलता है, सरकार को उसके आगे झुकना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है नौजवानों के आगे भी इस देश की सरकार को झुकना पड़ेगा, और ये एक जो युवा विरोधी फैसला सरकार ने लिया है, करोड़ों नौजवानों को धोखा देने का काम जो किया है, 4 साल की भर्ती और उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाने का जो फैसला लिया है, ये फैसला वापस होना चाहिए। संसद का सत्र जैसे ही आरंभ होगा, ये मुद्दा देश के सदन में पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी उठाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने आपके समर्थन में अपनी आवाज उठाई है, हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।